عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی पढ़ना आसान होता। ये पढ़ को इंशाल्लाह प्रोग्राम खत्म करेंगे कहता। और पीर के इंशाल्लाह हर पीर से इंशाल्लाह उर्दू क्लास यहाँ शुरू होता है, तो मैं डेली यहाँ आपको क्लास लेने का पढ़ने का भी होता। ठीक है, शुरू करें देने। अज़ुल्ला मेरे शैतान मेरे जिन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें। ठीक है, पाक साफ रहो, पाकी और सफाई आधा ईमान है। इल्म हासिल करना फर्ज है, मतलब ने इल्म मोमिन को अपने पड़ोसी की इज्जत करनी चाहिए। पड़ोसी का तो कौन? हमारे आजू बाजू अड़ोस पड़ोस में आते नहीं, इनकी हमें क्या करना? इज्जत करना। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तुम में से बेहतरीन इंसान कौन है? अच्छा सिखाना भी, तुमने अच्छा बोलना भी। जो अच्छा सिखाते हैं और लिखा ये जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं, बेहतरीन इंसान कौन बोल गए? ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल गए। सच बोलो, चाहे अपना ही नुकसान क्यों ना हो, हर बात में हमें क्या बोलना? हमें सच बोलना, चाहे हमारा नुकसान हुआ तो भी परवाह नहीं। जो अपने से जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो। हमारे रिश्तेदारी में भान भाई में जो भी हमें चीजें पसंद करते हैं वो चीजों को हमें भी क्या करना था? दूसरे भाइयों को भानों को पसंद करना होता। अच्छा वही है जिस उसके लिए अच्छा साथी अच्छा कहे। अच्छा इंसान वो है जो हमारे साथ में अच्छे आदमी आते नहीं, नो बोलना फलाना आदमी अच्छे ही बोल को। बुरे साथियों से तन्हा रहना बेहतर है, मालूम हुआ ये बुरे साथियों से ये अकेले रहना कितना अच्छा है। हुँ? बड़ों का अदब और छोटों से प्यार, जो ऐसा ना करे वो हम में से नहीं। समझ में आया? सलाम किया करो, सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। माफ करना बड़ी बहादुरी का बहादुरी है। सलाम करने से क्या होता है? मोहब्बत बढ़ती सब। और दूसरों को माफ करने से बड़ी बहादुरी का काम ये बहादुरी का काम करना होता तुम्हें। ठीक है, जो भी छोटे मोटे गलतियां करते हैं बात नहीं करना, मुंह फिरा लेना, ऐसा नहीं आना, माफ कर डालना उनको, हमें सलाम करना। अल्लाह की खुशी माँ बाप की खुशी में है। अल्लाह की खुशी किस में है सर? तुम्हें जो माँ बाप को क्या करना? खुश रखना, बोले तो बात सुनना, उनके जवाब नहीं देना। ठीक है नहीं? अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। अल्लाह की नाराजगी किस में है सर? माँ बाप की नाराजगी में, नाराजगी में है सर। तो चलिए तो हमें एक पेज पढ़ा सही है, एक पेज पढ़ना है सर, बहुत सारे बात तुम्हारे सामने आ गए। तो ऐसा तुम्हें आपको यहाँ पढ़ना अगर शुरू करेगा तो नहीं, बहुत सारे चीजें तुम्हें सीखते और सिखाते। बेहतरीन इंसान कौन है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? तो बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो ऐसे बच्चे तुम्हें बनना होता, तुम्हें खाली तुम्हें आपको यहाँ सीखना और दूसरों को सिखाना। इंशाल्लाह ऐसा निकलेगा तो बेहतरीन इंसान तुम्हें बनते। और जितने भी ये बात है नहीं, ये पूरे तुम्हें आपको है नहीं कुरान से 600 है। ठीक है, झूठ बोलना नहीं बोलकर भी कुरान में 600, सच बोलो बोलकर भी कुरान में 600, बड़ों की इज्जत करो, छोटों से मोहब्बत करो, पूरा कुरान में 600।
तो ये चीजा तुम्हें लोग आपको है ना यहाँ को बैठ को सीखो। अगर कौन सी भी चीज तुम ना समझ में नहीं आ रही तो बता को देते, किताब कौन से होना बोलो, इंशाल्लाह किताब भी तुम ना हमें मंगा को देते। यहाँ आओ, किताब यहाँ छते, यहाँ जाको तुम ना कौन सा अच्छा दिखता वो उठा को सबक पढ़ो जरे दिन। उसके बाद तुम ना आदत हो जाते हैं, अच्छे से अच्छे सबक तुम्हें पढ़ लो गए जा और आपको यहाँ पढ़े जाते हैं। ठीक है, खत्म करेंगे नहीं हमारी क्लास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उस्मान ए गनी, उस्मान ए गनी, उस्मान।